नमस्कार, शाम के 6 बजे हैं और खबर दिन भर में। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जिला मुख्यालय पर ही बच्चों के बुरे हाल हैं। जी हाँ, शहर में किशोर सागर तालाब के पास एक मॉडल बेसिक स्कूल है। यहाँ पर 8वीं तक की पढ़ाई होती है। मॉडल बेसिक स्कूल का नाम इसलिए मॉडल बेसिक है क्योंकि इसको बनाया ही इसलिए गया था कि लोगों के सामने एक आदर्श स्थापित हो सके। लेकिन आदर्श के नाम पर यहाँ की जो स्थिति है उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षा के नाम पर कैसा खिलवाड़ हो रहा है। बच्चों को मध्यान्ह भोजन के बाद पानी की सुविधा नहीं है। बच्चों के लिए ये पानी की सुविधा पिछले कई दिनों से नहीं है। बच्चे पीने के पानी के लिए मोहताज हैं और उन्हें किशोर सागर तालाब के बगल में स्थित यानी स्कूल के मेन गेट के बाहर रोड के बगल में स्थित हैंडपंप से पानी खींचकर पीना पड़ता है और वहीं उन्हें बर्तन धोने पड़ते हैं। वहीं बगल में एक बड़ा नाला भी निकला हुआ है। लोग यहां पर अपने गंदे वस्त्र धोते हैं, नहाते भी हैं और बगल में एक बड़ी डीपी लगी है जिसके खुले तार भी इर्द गिर्द है। इन सब खतरों से खेलते हुए ये बच्चे यहाँ पर हैंडपंप का पानी पीने को मजबूर हैं। अब आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये मॉडल बेसिक स्कूल क्या आदर्श स्थापित कर रहा है। इस मामले में एक मजेदार बात सामने आई। जब डीओ से इस संबंध में बात की तो डीओ ने हड़बड़ाते हुए कहा कि इस बात की जानकारी उन्हें आपके द्वारा मिली है। जबकि आश्चर्यजनक और हास्यास्पद बात यह है कि उसी कैंपस में उसी स्कूल के सामने ही डीओ का ऑफिस है और डीओ महोदय रोज वहीं से गुजरते हैं। अब एक और मजेदार बात सुनिए कि जब स्कूल के प्रिंसिपल से इस बारे में बात की गई तो उनका कहना था कि वे 4-5 बार नगरपालिका को लिख चुकी हैं और एक दिन पहले ही उन्होंने डीओ साहब को भी पत्र लिखा है। जी, अभी आपके माध्यम से हमें ये बात संज्ञान में आई है कि वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, तो मैं इसके लिए जो है अपन PHU के लिए पत्र जारी कर रहे हैं और इसकी व्यवस्था हो जाएगी। हैंडपंप में पानी नहीं आ रहा, काफ़ी दिन हो गए, मुझे नगरपालिका को भी लिख के भेजा है, लेकिन या तो मुझे लगता है कि उसका स्रोत सूख गया। हम चाहते हैं कि जहाँ से भी हो सके एक बोरिंग हो जाए या हैंडपंप के पाइप दोबारा से उसके अंदर से हो जाए तो बच्चों को पानी मिल सके। इसके बारे में हमने नगरपालिका को भी सूचना दे दी और डीओ साहब को। नगरपालिका को तो हमने 3-4 पत्र लिखे, डीओ साहब को केवल मैंने आज ही कल सूचना दे दी। ये पानी तो क्या होता था, अभी बीच बीच में आ जाता था, फिर चला जाता था, फिर आ जाता था, लेकिन अभी 4-8 दिन से नहीं है। नल में पानी नहीं करता, स्कूल के बाहर जाते हैं पानी पास इधर ही स्कूल के बाहर। क्यों जाते हो स्कूल के बाहर? नल में पानी नहीं आता। यही मॉडल बेसिक स्कूल है। कहाँ पानी के लिए जाना पड़ता है? यहाँ ये किशोर सागर तालाब के यहाँ नल है, वहाँ पानी के लिए आना पड़ता है। क्यों जाती हो वहाँ, क्या दिक्कत रहती है? क्योंकि वहाँ नाला में जंग आता है, पीने के लिए खराब पानी आता है, इसलिए। तो इस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिला मुख्यालय पर ही, जहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर कलेक्ट्रेट, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और बगल में ही डीओ ऑफिस है, उसके बावजूद बच्चों के ये हाल है, तो बाकी जिले में क्या स्थिति होगी? खबर दिन भर में शाम 6 बजे, बस इतना ही।